मकर संक्रांति के पर्व पर धार्मिक नगरी पुष्कर पूरी तरह पतंगबाजी के रंग में रंगी नजर आई। सात समुन्दर पार से आए विदेशी सैलानियों ने भी पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। अल सुबह से ही पुष्कर की छतों पर केवल वो काटा और वो गया की आवाजें सुनाई देने लगी। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस त्योहार का जमकर आनंद ले रहा था। छतों पर युवा डीजे साउंड सिस्टम के साथ पतंगबाजी का आनंद उठा रहे थे। विदेशी सैलानियों ने बताया कि उनके लिए यह एक अलग तरह का अनुभव है। उन्होंने दिन भर हर पल का आनंद लिया और खुद भी जमकर पतंगबाजी की। मकर संक्रांति का पर्व ऐसा है कि सब छोटे बड़े पुराने मित्र सब एक साथ मिलके सब एंजॉय करते हैं। पुष्कर में मकर संक्रांति के अवसर पर बुधवार को विशेष धार्मिक स्नान का धर्म लाभ लेने दूर दराज सहित देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे और सरोवर में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। को जल देते हैं और तीर्थों में दान और स्नान पूजन करने से उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति है, ऐसा भागवत जी में पुराणों में लिखा है। मकर संक्रांति के शुभ पर्व का पुष्कर की सड़कें गायों को डाले गए हरे चारे से हरी हो गई। वहीं श्रद्धालुओं ने तिल के बने व्यंजन और गुलगुलों का भी त्यान किया। वहीं पुष्कर के बाजारों में जगह जगह पौष पड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अलग अलग जगह व्यापारियों ने मीठी व नमकीन वस्तुओं का दान कर पुण्य प्राप्त करने का प्रयास किया। मकर संक्रांति का पर्व जो है सूर्य नारायण धनु राशि से मकर प्रवेश करता है तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रारंभ हो जाता है। तीन राशियों पर सूर्य नारायण जब दक्षिण में जाता है फिर तीन में मध्य में आता है फिर तीन राशि उत्तरायण चालू होता है फिर तीन पे पूरा मकर में आ जाता है। तो छह महीना दक्षिणायन और छह महीना उत्तरायण रहता है। इसलिए आज तेल का दान लोहे में वो खारी भक्षण लोहे पात्र में करेंगे तो लोहे का दान काली वस्तु का दान कम्बल का दान ये लाभदायक है। शुभ काम फल प्रद है और मांगलिक कार्य आज से ही प्रारंभ हो जाएंगे।